सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ GTA 5 का गेमिंग रिव्यू, ASUS TUF F15 2022 वाले मॉडल पे। तो चलिए शुरू कर दें यार। तो गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर देना। आप आपको मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ, कर देना यार, आपको चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो रिकमेंडेड सेटिंग्स में हम प्ले करेंगे। वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो है, मोस्टली हाई सेटिंग्स ही हैं, मतलब मोस्टली वेरी हाई सेटिंग्स है। सॉरी, 300 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, 1080p डिस्प्ले है एंड i7 12th जनरेशन है। डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना आप। एंड लैपटॉप का मोड टर्बो मोड पे है, रूम टेम्परेचर 31 डिग्री टर्बो मोड पे है। एंड CPU आपको पता ही है, RTX 3060। ज़्यादा डिटेल में स्पेक्स जाननी है आप, मेरी मेन वीडियो देख लेना, फुल रिव्यू उसके अंदर मैंने किया हुआ है। इसके अंदर हम डेडिकेटेड GT5 का गेम रिव्यू करने वाले हैं, एज यू नो, मतलब कर ही रहे हैं। केस पे आया, देखो पुलिस पीछे से की, लेकिन कोई फायर नहीं कर रही। जैसे मैंने गाड़ी चलाई वैसे फायरिंग चालू। वॉट का शायद सीखा ना GPU, बोल गया मैं, ये बोले सी मैं वीडियो। टेम्परेचर देखो काफ़ी अच्छे हैं ना। जैसे मैं पिछले 10 मिनट से खेल रहा था गेम, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट चालू किया वीडियो बनाने के लिए, पहले से खेल रहा था, पहले वो टेस्टिंग की इसकी। तो जब जैसे 4 GHz टच करेगा ना आपका CPU, वो भी कोई कोई जगह पे टच करेगा, रेगुलर नहीं रहेगा, रेगुलर आपका 3 GHz से ही चलेगा यार। गेम गेम भी डिपेंड करता है बाकी, लेकिन मैंने 8 गेम टेस्ट की थी इसके ऊपर, कुछ सेकंड के लिए खाली 4 GHz टच किया था कुछ कुछ जगह में, जहाँ पे 90+ टेम्परेचर चले गए थे। इसके अलावा फिर से नॉर्मल हो जाते थे। लो भाई डिमांडिंग एरिया भी आ चुका है, जहाँ हमारे FPS 100 के चीज आ चुकी है। 16 GB ड्यूल चल रहा है, मैं वो भी DDR5 वाली, एंड जो भी है 4800 MHz की। वाओ, गाड़ी हमारी फेवरेट मंगानी पड़ेगी हमें, पहले केस उठा लें। फेवरेट तो नहीं है, लेकिन चीट कोड वही याद है, फेवरेट तो नहीं कह सकते। हमारी लैब में कोई फेवरेट नाम की चीज़ नहीं है। केस हटाने से ही केस फिर रुक गया। चलो फास्ट गाड़ी मंगा के केस भगाएंगे, हटाएंगे मतलब। ये तो मार देंगे जी पे मुझे। अपनी गाड़ी ठोक दी मैंने, अरे अटकी थी गेम। हो जाता है ग्लिच कभी कभी, लगातार नहीं होना चाहिए। अब हटा के दिखाते हैं आपको केस, हम नहीं मतलब मैं नहीं खेल रहा हूँ मैं। तो ये जगह पे हमारा 4 GHz से CPU टच किया था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के लिए, खाली 3-4 सेकंड्स के लिए, आधे सेकंड के लिए मान लो। ओहो, देहांत हो गया हमारा, शिट, रिप। अरे टपक गया मैं गेम से, अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। बाड़ी बंगला पैसा सब गया, गाड़ी आ गई, लेकिन गाड़ी हम बहुत जल्दी कमा लेते हैं। मैं क्या बिना टच करे कटूंगा, एंड ले लिया मैं तो। तो बढ़िया FPS है, ऑलवेज 100+ मिल रहे हैं वर का। वैसे यार 2K डिस्प्ले पे ऑलवेज 200+ नहीं मिलते थे क्या? मुझे लीजन ज़्यादा आ गया,
लेकिन उसके फिर फ़र्क है, वो फुल वॉट का है जीपीयू, ये भी फुल वॉट का है, लेकिन ये डायनेमिक बूस्ट आ जाता है, ये नीड होने पे ही बूस्ट होगा, नहीं तो ये अपनी बेस वोल्टेज पे चलेगा, जो कि आई थिंक याद नहीं मुझे, मैंने मेन वीडियो में आपको बताया हुआ है, कुछ देख लेना आप। तो हिसाब से उस कंपैरिजन में फुल वॉट वाला एंड मतलब जो फुल वॉट का बिना डायनेमिक बूस्ट का होता है ना, फुल वॉट होता है, तो ये भी फुल वॉट लेंगे डायनेमिक बूस्ट में ला के फुल वॉट जाता है, तो एफपीएस का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, चलो थोड़ा ताबड़ तोड़ किया जाए। केश पह गया हुई भाई चलाते हैं भाई, तू उंगल दिखाई, मैं तेन बंदूक दिखावा, चला के दिखाऊंगा, डमी नहीं ओरिजिनल है इस रियल लाइफ में, बिल्कुल ऐसा नहीं हो ना ही ऐसी गाड़ी चलाता हो, इस वीडियो का सच्ची घटनाओं से कोई भी वास्ता नहीं है, वास्तव में कोई संबंध नहीं है, ऐसे हम रियल लाइफ में चलानी चाहते हैं लेकिन गेम में चला रहे हैं, बड़ा स्वीकार रहे हैं। गाड़ियों की बात करो, बंदे मारने की बात नहीं कर रहा यार, इंसानियत तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती पी है, क्या गेम का रियल घटना से कोई वास्ता नहीं, दोनों साइड अच्छा डबल रोड नहीं सका है, डबल रोड वही तो, जो कट मार दिया मैंने, गिरा तब भी नहीं हुआ, देखते हैं किस्मत और जमा लेते हैं गिरा इसी ना मर गया मैं, खोपड़ियाँ टूट गया। चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बाय बाय।